जय हरि कीर्तन नर्तन वर्तन जय हरि जय हरि कीर्तन नर्तन वर्तन जय हरि कलिमल कर्तन जय हे कलिमल जय सच्चिनंदन सुर मुनि वंदन भव भय खंदन जय हे जय सच्चिन नयन पुरंदर विश्वरूप स्नेह धर नयन पुरंदर विश्वरूप स्नेह धर विश्वंबर विश्वेर कल्याण हे विश्वंबर विश्वेर कल्याण हे जय सच्चिनंदन सुर मुनि वंदन भव भय खंदन जय हे जय सच्चिन जय लक्ष्मी विष्णु प्रिया विश्वंबर प्रिय हिया जय लक्ष्मी विष्णु प्रिया विश्वंबर प्रिय हिया जय प्रिय किंकर ईशान हे जय प्रिय किंकर ईशान हे जय सच्चिनंदन सुर मुनि वंदन भव भय खंदन जय हे श्री सीता अद्वैत राय मालिनी श्रीवास जय श्री सीता द्वैत राय मालिनी श्रीवास जय जय चंद्र शेखर आचार्य हे जय चंद्र शेखर आचार्य हे जय सच्चिनंदन सुर मुनि वंदन भव भय खंदन जय हे जय सच्चिन जय नित्यानंद राय गदाधर जय 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 नित्यानंद राय गदाधर जय 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 हरिदास नामाचार्य हे जय हरिदास नामाचार्य हे जय सच्चिनंदन सुर मुनि वंदन भव भय खंदन जय हे मुरारी मुकुंद जय प्रेमानिधि महाशय मुरारी मुकुंद जय प्रेमानिधि महाशय
जय जत प्रभु परिषद हे जय जत प्रभु परिषद हे जय सच्चिदानंदन सुर मुनि वंदन भवभय खंडन जय हे बंदी सवा कर पाए अध मेरा कृपा है बंदी सवा कर पाए अध मेरा कृपा है भक्ति सो पार्षद प्रभु पाद हे भक्ति सो पार्षद प्रभु पाद हे जय सच्चिदानंदन सुर मुनि वंदन भवभय खंडन जय हे जय हरे कीर्तन नर्तन वर्तन जय हरि कीर्तन नर्तन वर्तन कलिमल कर्तन जय हे जय सच्चिदानंदन सुर मुनि वंदन भवभय खंडन जय हे जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन गौर हरे जय सच्चिदानंदन गौर हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश जय रुक्मिणी द्वारकाधीश जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतावय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीडी संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद की जय। जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत डिवाइन ग्रेस शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई महाराज शील प्रभुपाद की जय। गुरु शिष्य परम्परा की जय।
नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। गंगा मैया यमुना माई की जय। बृंदादेवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ देव बलभद्र देव सुभद्रा महारानी की जय। इस्कॉन द्वारका की जय। श्री रुक्मिणी द्वारका थी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर नित्याय की जय। ग्रंथराशि चैतन्य भागवत की जय। ग्रंथराशि चैतन्य मंगल की जय। ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की जय। ग्रंथराशि मद्भागवतम की जय। भगवद्वाणी भगवद्गीता यथारूप की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमनंदी हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरुन गौरंग। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7। अध्याय का शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। प्यार संख्या 107 बोर्ड पे लिखा हुआ है प्यार। कृपया पीछे दोहराने का प्रयास करें। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाट ईश्वर वाक्य नहीं दोष ईस। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाट ईश्वर वाक्य नहीं दोष एस। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाट ईश्वर वाक्य नहीं दोष एस। पढ़ें कृपया। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाट ईश्वर वाक्य नहीं दोष एस। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाट ईश्वर वाक्य नहीं दोष एस। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाट ईश्वर वाक्य नहीं दोष एस। माता भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाट
ईश्वरे रा बाके नाही शब्दानुवाद अनुवाद तात्पर्य परमादरणीय कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दानुवाद कृपया पीछे दोहराने का प्रयास करें। भ्रम त्रुटि प्रमाद मोह विप्रलिप्सा धोखा देने के तरीके कर्ण पाटव भौतिक इंद्रियों की अपूर्णता ईश्वरेर भगवान के वाक्य भाषण में नाही नहीं है दोष दोष ए सब अनुवाद। भगवान के शब्दों में त्रुटि मोह प्रवंचना ठगी तथा इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते। कृपया अनुवाद पीछे दोहराने का प्रयास करें। भगवान के शब्दों में त्रुटि मोह प्रवंचना यानी ठगी तथा इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते। तात्पर्य श्रवण करें। त्रुटि का अर्थ है किसी वस्तु को यथार्थ रूप में स्वीकार करने के बदले भिन्न रूप में स्वीकार करना अथवा मिथ्या ज्ञान को स्वीकार करना। उदाहरणार्थ अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर उसे सांप समझा जा सकता है या चमकती सांपों को सोना समझा जा सकता है। ये त्रुटियां हैं। इसी प्रकार सुनने में असावधानी के कारण उत्पन्न गलत ज्ञान को मोह कहते हैं। ऐसा त्रुटिपूर्ण ज्ञान दूसरे को प्रदान करने को छल या ठगी कहते हैं। भौतिकवादी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सामान्यता हो सकता है अथवा शायद जैसे शब्दों को प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण तथ्यों का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, अतः उनके द्वारा दूसरों को शिक्षा देना ठगी का उदाहरण है। भौतिकवादी व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। उदाहरणार्थ यद्यपि हमारी आंखों में देखने की शक्ति है किंतु ये आंखें दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकती, नहीं अपने निकट स्थित पलकों को देख पाती है। हमारे अपूर्ण आंखों को सूर्य एक तस्तरी जैसा लगता है और जिसे पोलियो रोग होता है उसे सब कुछ पीला ही पीला, जिसे पीलिया रोग होता है उसे सब कुछ पीला ही पीला दिखता है। अतः ऐसे अपूर्ण आंखों द्वारा अर्जित ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कान भी समान रूप से अपूर्ण है। हम बहुत दूर होने वाली ध्वनि को तब तक नहीं सुन सकते जब तक हम कान में टेलीफोन नहीं लगा लेते। इसी प्रकार सारे इंद्रियां के विश्लेषण करने पर हम समझ सकते हैं कि वे सभी अपूर्ण हैं। अतः इंद्रियां द्वारा ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है। वैदिक विधि के अधिकारी विद्वान महाजन ये सुनना वैदिक विधि है अधिकारी विद्वान महाजनों से सुनना। हियरिंग इज द ऑथेंटिक प्रोसेस। भगवान भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त इमं राजस्य विदु। यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया है और राजर्षियों ने इसे यथारूप समझा है। हमें टेलीफोन से नहीं अपितु एक प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए क्योंकि उसी के पास वास्तविक ज्ञान रहता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन सलाकया चक्षुरोन्मीलितंगेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितंगेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा
सिन्धुभैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव ईश्वरेर वाक्य नाही दोषै सब। भगवान के शब्दों में त्रुटि मोह प्रवंचना ठगी तथा इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते हैं। तो साप्ताहिक चैतन्य चरितामृत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यह अध्याय आदि लीला के सातवें अध्याय है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के पांच स्वरूप के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान रूप में स्थापित करते हैं। तो ये तत्व सबसे पहले जरूरी है। संसार के बहुत से लोग चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कहीं इतिहासकार है, अलग अलग प्रकार के सांसारिक व्यक्ति हैं जो चैतन्य महाप्रभु एक साधारण संत मानते हैं। इज लाइक सम पीपल सम हिस्टोरिकल बुक्स ऑल्सो काउंट लाइक ए सेंटली पर्सन। बट चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए थे छन्न अवतार में। भक्त भी हैं, परम भगवान भी है। जैसे भगवान गीता भागवत आदि भगवद्गीता के उपदेश देते हैं, उसको आदर्श रूप में पालन करके संसार को दिखाने के लिए एक प्रैक्टिकल डिवोटी रूप में, एक व्यावहारिक भक्त रूप में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये तत्व को सबसे पहले समझना होगा या स्वीकार करना होगा कि चैतन्य महाप्रभु ही परम भगवान श्री कृष्ण है। तो संसार में जो लोग इस धारणांग नहीं रखते हैं तो फिर इस प्रक्रिया पे संदेह करते हैं और ये प्रक्रिया को समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अचिंत भेदावे तत्व समझना आसान बात नहीं। तो इस प्रकार के भ्रम भी कभी कभी पैदा होता है। तो ये प्रसंग जो चल रहा है वाराणसी काशी में चल रहा है। द डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन प्रकाशानंद सरस्वती एंड हिज डिसाइपल एंड लॉर्ड चैतन्य। तो आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जाते हैं वो वाराणसी होते हुए जाते हैं। तो वाराणसी में उनके प्रमुख भक्तगण रहते हैं, जैसे श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट पर 2 महीने तक इस भगवत तत्व पे उनको शिक्षाएं प्रदान करते हैं, जो चैतन्य शिक्षा नाम से परिचित है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय से लगभग 25वें अध्याय तक ये प्रसंग वर्णन है। तो वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु के जो और भक्त लोग रहते हैं उसमें चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र प्रमुख हैं। यही तपन मिश्र जी के पुत्र हुए श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे वाराणसी आते हैं संन्यास लेने के उपरांत पूरी में रहने के बाद, तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास इसीलिए लेते हैं, संन्यास लेने के कारण वर्णन है क्यों चैतन्य महाप्रभु को संन्यास लेना पड़ा। वास्तविक कलयुग में संन्यास वर्जित है, केवल भगवान की वाणी प्रचार हेतु संन्यास धर्म या संन्यास दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, या जो परिपक्व लोग हैं तो संन्यास दीक्षा को स्वीकार कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वास्तविक भगवत वाणी प्रचार करने के लिए संकीर्तन आंदोलन को प्रवर्तन करने के कार्य चालू जारी रखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास दीक्षा लेते हैं केशव भारती जी से, जो कि मायावादी सन्यासी हैं। तो जो वाराणसी में जो है कहा जाता है कि मायावादियों की गढ़ है, और मायावादियों के सरदार प्रकाशानंद सरस्वती जी वहां रहते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते हैं तो प्रकाशानंद सरस्वती खुशी पहले होते हैं कि हमारे संप्रदाय के आप सन्यासी हैं, लेकिन उनके जो धारणा है सन्यासी को कुछ और धर्म होता है, वेदांत अध्ययन वेदांत पर चर्चा करना, इसी का आस्वादन करना सन्यासी के धर्म है। लेकिन जब प्रकाशानंद सरस्वती जी को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु भावुकता पूर्वक साधारण व्यक्ति के भांति नर्तन गायन करते हैं तो कहते हैं ये कौन सी पागलपन है, सन्यासी के धर्म तो कुछ और है,
बैठकर वेदांत सूत्र पे चर्चा करना, ये पागल के भांति नृत्य गायन क्यों कर रहे हैं? तो वाराणसी में रहने वाले चैतन्य महाप्रभु के परिषदगण तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य जब इस बात को सुनते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा नहीं सुनना चाहते हैं। हमें अपनी निंदा स्वीकार्य है, लेकिन भगवान गुरुजन की निंदा हमें सुनना नहीं चाहिए या स्वीकार नहीं करना चाहिए, उस स्थान को त्यागना चाहिए। वी शुड नॉट बी हियरिंग द ब्लास्फेमी ऑफ लॉर्ड एंड द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। वी शुड बी इमीडिएटली क्विटिंग द प्लेस। उसमें बताई गई है अगर आपको निंदा सुनना पड़े तो क्या उपचार करना चाहिए। सबसे पहले आप अगर बहुत दक्ष हो, पारंगत हो, शास्त्र में एक्सपर्ट हो, तो शास्त्र युक्ति से उस व्यक्ति के तर्क को काटने का प्रयास करना चाहिए फास्ट, किसी निंदुक को। अगर आप उसमें परिपक्व नहीं हो तो दूसरा है, उस व्यक्ति के जीवा काट सकते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। सो थर्ड थिंग इज रिकमेंडेड, वी शुड इमीडिएटली क्विट द प्लेस। आपको स्थान को त्यागना होगा, निंदा नहीं सुनना है। निंदा सुनने से वास्तविक भक्ति समाप्त हो जाता है। तो इस कारण से चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र निंदा सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार वो चैतन्य महाप्रभु के चरण में निवेदन करते हैं कि प्रभु आप कुछ करिए, इन निंदकों को कुछ सही जवाब दीजिए, आपकी प्रभुत्व, आपकी जो भगवत्ता का कुछ प्रदर्शन करिए। कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन जब तक कोई योग्यता नहीं प्राप्त करता है तब तक अपने भगवत्ता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ पुरी जाते हैं, सबसे पहले कार्य करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य भी मायावादी थे। तो यही हाल हुआ था सार्वभौम भट्टाचार्य जी का। वो देखे ये तो नारायण के समान है, इनके शरीर के तेज दिव्य तेज निकल रहा है, ये अल्प आयु में संन्यास धर्म को स्वीकार किए हैं। तो अलग अलग प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से वार्तालाप करते हैं और फिर बोलते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, आपको जो भाष्य है वेदांत भाष्य उसके बारे में आपको सिखाऊंगा, आप सन्यासी हो आप सुनो। तो चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं 7 दिन तक, 7 days कॉन्टिन्यूसली हियरिंग द कमेंट्री फ्रॉम वेदांत सूत्र इन द मायावादी वर्जन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य देख रहे हैं कि ये सन्यासी तो सुन रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। कुछ नहीं बोलने का कारण तो हो सकता है या कुछ समझा या नहीं समझा। तो महाप्रभु जान रहे थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे व्याख्यान कर रहे हैं भगवान के बारे में। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौनिताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी रूप में उसी का भाष्य निकालते थे। जैसे आप सुने होंगे हमारे श्रीपाद रामानुजाचार्य जब क्या नाम है जो मायावादी गुरु थे पहले, फॉरगेट द नेम, यादव प्रकाश, यादव प्रकाश जैसे वर्णन करते हैं मायावादी भाष्य, भगवान के नेत्र कमल का परिभाष देते हैं, तो इसी प्रकार मायावादी भाष्य को सुनकर चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं उस समय के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन बोलने के बाद देखते हैं सन्यासी कुछ नहीं बोल रहा है, शांत बैठा है। क्या हुआ, आप कुछ बोलिए, कुछ समझे कि नहीं समझे? तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप ये क्या तात्पर्य प्रदान कर रहे हो, इस महान तत्व भगवत तत्व के बारे में, वेदांत तत्व के बारे में आप क्या व्याख्यान दे रहे हो? तो फिर प्रकाशन सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु के बीच में पुनः वार्तालाप होता है। आत्माराम श्लोक पे सार्वभौम भट्टाचार्य वर्णन करते हैं, व्याख्या देते हैं, लगभग 18 प्रकार से वो व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उससे आगे भी आत्माराम श्लोक के तत्व प्रदान करते हैं। तो ये देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये परम भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तविक मायावादियों को स्थिति पर लाते हैं, समर्पण स्थिति पर लाते हैं, फिर अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं। तो आप अभी जाएंगे सार्वभौम भट्टाचार्य के जो स्थान है जगन्नाथपुरी में, सार्वभौम भट्टाचार्य जी घर है, वहां किस प्रकार महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी को सर्वभुज गौरांग रूप का दर्शन किए थे, दर्शन दिए थे।
to hand it up Krishna, to hand it up Lord Rama and Lord Chaitanya. And the combined form in the Sadhu's group, Lord Chaitanya, manifest before Sarvamhattacharya. Then Sarvamhattacharya completely surrendered at lotus feet of Lord Chaitanya. तो कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने से मायावादी भी महान वैष्णव बन सकता है. दिस इज द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड. श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु पशु पक्षियों को भी जब झारखंड फॉरेस्ट में जा रहे थे उनको भी भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में उन्मत्त करके नचाते थे. चैतन्य महाप्रभु इतने शक्तिशाली परम भगवान हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं. तो यहाँ जो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 60,000 शिष्य हैं, वाराणसी में निवास कर रहे हैं, तो उनको भी उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं. लेकिन समय की दूरी है. लॉर्ड डिलीवर्स एवरीवन, निंदुकों के भी उद्धार करते हैं, लेकिन समय की विलंब है. तो उस समय आ जाता है जो इच्छा थी चंद्रशेखर आचार्य तपन मिश्र जी की, कि चैतन्य महाप्रभु कुछ करे, अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करे. तो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण अपने घर में सभी सन्यासियों को भोज के लिए आमंत्रण करते हैं. प्रकाशानंद सरस्वती उनके 60,000 शिष्य सबको आमंत्रण करते हैं. तो उसमें आमंत्रण भी होता है चैतन्य महाप्रभु का. तो चैतन्य महाप्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे उस दिन की. तो चैतन्य महाप्रभु आमंत्रण स्वीकार करते हैं और उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के घर में जाते हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ प्रवेश करते हैं. जब युधिष्ठिर महाराज राजस्वी यज्ञ कर रहे थे, भगवान उस राजस्वी यज्ञ में कौन से स्थान लेते हैं? जूते स्थान में जूते की सेवा लेते हैं. यू नो इट. जो भी महान ऋषिगण आएंगे उनके पद प्रक्षालन करेंगे. लॉर्ड इज ईगरली वेटिंग टू सर्व हिज बिलव्ड डिवोटीज. एक्चुअली भगवान भी लालायित रहते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए. तो विनम्रतापूर्वक इस स्थिति को स्वीकार करते हैं चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं, तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदाहरि, स्वयं एक आचार्य रूप में भी इस शिक्षा को स्वयं करके दिखाते हैं. कि अपनी खुद करके नहीं दिखाने से संसारवासी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं करके भी दिखाते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु उस सन्यासियों की जो एकत्र स्थित स्थान है, सब इकट्ठे हुए हैं महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर, तो वहां पर महाप्रभु जाके बैठ जाते हैं उसी स्थान पर जब सब जहां पर सब सन्यासी लोग पद प्रक्षालन करते हैं. तो सभी सन्यासी देख रहे हैं और जाकर अपने स्थान ले रहे हैं. तो सन्यासी के जो सरदार मुख्य हैं, जब प्रकाशानंद सरस्वती आते हैं, देखते हैं ये सन्यासी ऐसे स्थान में क्यों बैठा है. और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकाश को प्रकाशित करते हैं प्रकाशानंद के समक्ष. लॉर्ड चैतन्य मैनिफेस्ट इज एफॉल्जेंस बिफोर प्रकाशानंद सरस्वती. तो प्रकाशानंद सरस्वती देखते ही सोचते हैं ये तो साक्षात नारायण है. आई एम सीइंग द नारायण इन फ्रंट ऑफ मी सिटिंग, हम्बली सिटिंग. लेकिन सच ए रिचिट प्लेस इज सिटिंग, व्हाई सिटिंग लाइक दैट. तो प्रकाशानंद सरस्वती क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़ कर ले आते हैं, अभी सभी सन्यासियों के बीच में बिठा देते हैं. सो दिस इज हाउ लॉर्ड चैतन्य इज प्रीचिंग थ्रू हिज ह्यूमिलिटी. हाउ टू प्रीच द मायावादी, लॉर्ड चैतन्य इज डेमोन्स्ट्रेटिंग लाइक मायावादियों कैसे प्रचार करना है. विनम्रता, तर्क प्रतिष्ठा सुतयो विभिन्न नाथ मुनीजस्य मतो न भिन्न धर्मस्य तत्व निहित गुहाय महाजन जिन गतस्य पंथा. जो महाजन जो लोग जो रास्ता दिखाए हैं हमें ऐसे रास्ते में चलना चाहिए. तो प्रचार के लिए सबसे आवश्यक है विनम्रता, भक्ति के लिए भी विनम्रता आवश्यक है. और इसके जीते जागते नमूने, आइडियल एग्जाम्पल इज लॉर्ड चैतन्य हिमसेल्फ मैनिफेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी. यही क्वालिटी हमें भगवत धाम प्रवेश के लिए योग्य बनाता है, ह्यूमिलिटी. तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं और सभी सन्यासी देख रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु में वार्तालाप होता है वेदांत साहित्य के ऊपर, वैदिक साहित्य के ऊपर. तो सबसे पहले प्रश्न करते हैं, आप तो हमारी संप्रदाय के सन्यासी हैं, यू हैव टेकन इनिशिएशन फ्रॉम केशव भारती आवर संप्रदाय, तो आप हम लोगों से क्यों दूर भागते हैं, हमारे पास आइए चर्चा करिए, वेदांत दर्शन के बारे में चर्चा करिए, हम क्यों दूर भागते हैं आप.
तो महाप्रभु भी विनीत भाव से कहते हैं, मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूँ, नीचे अधम सन्यासी हूँ, इसलिए मैं अपने आप को अयोग्य समझता हूँ आप सबके बीच बैठने के लिए। सो दिस इज अगेन मैनिफेस्टिंग ह्यूमिलिटी। वी कैनॉट प्रीच बाय आर्ग्यूइंग विथ फिलोसफी, बट ह्यूमिलिटी मेल्ट्स एक्चुअली, विनम्रता द्रवित कराता है, इवन जीवात्मा को भी द्रवित कर देता है ह्यूमिलिटी लाइक। तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने तेज को प्रकाशित करते हैं, श्रील प्रभुपाद भी जब पाश्चात्य जगत में गए और विमान से उतरते हैं विमान बंदर में, तो उनकी भी इस प्रकार के तेज को लोग देख पाते थे, जैसे सचिनंदन महाराज, इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, प्रभुपाद के तेज को देख कर वो समझे साक्षात ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट आ रहे हैं यहाँ पर। सो दे टेक शेल्टर लाइक, सो प्रभुपाद अट्रैक्ट्स टू हिज ह्यूमिलिटी एंड बाय एफल्जेंस लाइक। तो फिर प्रकाशानंद सरस्वती जो प्रश्न करते हैं महाप्रभु, बड़ी विनीत भाव से उत्तर देते हैं। जो पहला प्रश्न करते हैं, कहते हैं आप तो हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं, आप अलग क्यों घूम रहे हैं, आप हमारे साथ आइए ना, हमारे साथ वेदांत दर्शन के बारे में चर्चा करिए ना, आप क्यों दूर भागते हैं हमसे। तो महाप्रभु बड़ी विनीत भाव से कहते हैं, मैं तो नीच अधम हूं, मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, अपने को अयोग्य समझता हूं आप सबके बीच बैठने के लिए। मेरी गुरु महाराज मुझे मूर्ख देखे, वेदांत अध्ययन के लिए कि मेरे अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं, इसलिए मुझे उपदेश दिए आप निरंतर नाम मंत्र उच्चारण करो। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन, सुनो श्रीपाद यहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन, कि मेरी गुरु महाराज देखे तुम अयोग्य व्यक्ति हो, तुम्हें वेदांत अध्ययन करने के अधिकार नहीं है, इसलिए आप क्या करो, निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करो। तो मैं गुरु के आदेश को गंभीरता पूर्वक लेकर मैं निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ। आई एम हम्बली ट्राइंग टू सर्व द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड। लेकिन जैसे नामों को लेता हूँ मुझे कुछ अद्भुत लक्षण प्रकट होता है, हुआ मेरे अंदर लॉट ऑफ सिम्टम मैनिफेस्टेड व्हेन आई स्टार्ट सर्विंग द होली नेम। मैंने देखा कि मेरे मन पागल होते जा रहा है, जपिते जपिते मन होइल पागल, माई माइंड बिकम मैडन व्हेन आई स्टार्ट चैंटिंग द होली नेम। हम जो जॉब करते हैं नींद से घबराते हैं, डिस्ट्रैक्शन से घबराते हैं, लेकिन लॉर्ड चैतन्य इज रिलीजिंग, ही सेइंग माय माइंड इज गेटिंग मैडन इन कृष्ण प्रेमा, आई एम डेवलपिंग ऑल द एक्सटेसी ड्यूरिंग चैंटिंग, कि मेरी मन पागल जैसे हो रहा है और मैं कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो रहा हूँ, मेरे शरीर में सारे अष्टसात्विक विकार प्रकट हो रहा है, अश्रु पुलक कंप सब प्रकट हो रहा है। तो मैं गुरु महाराज के पास गया और पूछा कि गुरु महाराज आप जो मुझे दवाई दिए थे ना, वो दवाई का असर क्या इस प्रकार होता है, मैं वो दवाई जब पान करता हूँ मेरी मन पागल होने लगता है, क्या ये सही है। हाँ बेटा सही है। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद यही उत्तर देते हैं, कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्रेर एई तस्व भाव, जेई जपे तारे कृष्णे उपजाए भाव। तो दिस द नेचर ऑफ द होली नेम, स्वभाव है कि जो भी हरिनाम उच्चारण करता है कृष्ण के प्रति आकर्षण स्वतः उत्पन्न होने लगता है। हरे कृष्ण महामंत्र एई तो स्वभाव, जेई जपे तारे कृष्णे उपजाए भाव, द नेचुरल एक्सटेसी अवेकन्स व्हेन वन स्टार्टेड सर्विंग द होली नेम। तो फिर महाप्रभु नाम की महिमा के बारे में सारे सन्यासी को वर्णन करते हैं, मुख्य रूप से प्रकाशानंद सरस्वती पाद को। तो महाप्रभु जो साक्षात परम भगवान हैं और जिनसे मुख से शुद्ध वाणी, जैसे भगवान के सब मधुर है, वचनंग मधुरंग चलितंग मधुरम हसितंग मधुरम, वही परम भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन मायावादी अभी स्वरूप को नहीं देखे हैं, लेकिन वो दिव्यता कार्य कर रहा है, महाप्रभु के मुखारविंद से वो नाम की महिमा सुन रहे हैं। जब हम नाम की महिमा सुनते हैं हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होता है। इस संसार में रहने के दौरान कई बार हम हर रोज श्रद्धा को लेकर भी स्ट्रगल करते हैं, समटाइम वी कम इन टच विद द अनफेथफुल पीपल, अश्रद्धालु लोगों के संगत में आते हैं, हमारे श्रद्धा डगमगाता रहता है और फेथ ड्विंडलिंग लाइक, क्या सचमुच ये प्रक्रिया कार्य करता है, नाम में इतने शक्ति है, इस्कॉन वाले दे आर एग्जैजरेटिंग, नाइम महिमा को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, शायद ऐसे कार्य करता है। पीपल वी स्टार्ट डाउटिंग ऑन द प्रोसेस समटाइम इन द प्रोसेस, ऐसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति,
वन हु डाउट्स ही लूज द पाथ एक्चुअली. हाँ, तो शंका नहीं करना चाहिए, फेथ रखना चाहिए और फेथ को बढ़ाना चाहिए. डे बाई डे आवर फेथ शुड बी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग. एटलीस्ट वी शुड प्रोटेक्ट दैट मच फेथ. जितना श्रद्धा है उसको बनाए रखना है. क्या श्रद्धा रखना है? नाम और भगवान अभिन्न है, अभिन्नत नाम नामिना. भले ही हमें उसकी साक्षात्कार नहीं हुआ हो, वी मे नॉट बी रियलाइजिंग नाउ द नेम इज नॉन डिफरेंट दैन लॉर्ड हिमसेल्फ, बट एटलीस्ट एक्सेप्टिंग इट, फेथफुली एक्सेप्टिंग इट, दिस होली नेम इज नॉन डिफरेंट दैन कृष्णा हिमसेल्फ. ये जो शब्द ध्वनि है वो भगवान से अभिन्न है, इस तत्व को हमें स्वीकार करना पड़ेगा. हो सकता है हमें अभी आत्म साक्षात्कार उसका नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ हो, डजेंट मैटर, बट एक्सेप्टिंग, कीपिंग फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को नाम की महिमा सुनाते हैं. जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब फुलिया ग्राम में थे, सॉरी हरिदास ठाकुर जब फुलिया ग्राम में थे, तो रामचंद्र खान एक बेस्या को भेजे थे, हीराबाई, जाओ इस साधु को पद से गिराओ. तो हरिदास ठाकुर जो त्रिकालज्ञ हैं, लाइक लॉर्ड इज त्रिकालज्ञ, द डिवोट इज ऑल्सो त्रिकालज्ञ. त्रिकालज्ञ शब्द के अर्थ है जो तीनों कालों के बारे में जानकारी रखते हैं. अतीत में क्या होता है, क्या हुआ था, वर्तमान क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, जो जानने वाले हैं. तो जैसे रामचंद्र खान भेजते हैं उस बेस्या को, तो हरिदास ठाकुर जान जाते हैं कि मेरे पास समर इज कमिंग टू सीड्यूस मी, लाइक समर इज कमिंग, सो यू नो लाइक. बट आउट ऑफ ग्रेट कंपैशन हरिदास ठाकुर स्टेज बैक ओवर देयर, हरिदास ठाकुर वहीं रह जाते हैं और 3 दिन तक उसी स्थान में रहते हैं. द प्रोस्टिट्यूट इज कमिंग, हीराबाई इज कमिंग, ही इज कमिंग विद अ डिफरेंट मूड फॉर भुक्ति मुक्ति, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ ए कंटामिनेटेड पर्सन, ही इज कमिंग. उसको रामचंद्र खान कुछ इनाम देंगे, उस लालसा से लक्ष्य हीराबाई आते हैं. और पहला दिन जब आते हैं, हरिदास ठाकुर नामाचार्य भगवत नाम ले रहे हैं तुलसी के समक्ष. जैसे ही उनके शुद्ध मुखारविंद से प्रोस्टिट्यूट नाम की महिमा, नाम के श्रवण करते हैं, ही इमीडिएटली गेट प्यूरिफाइड. सो होली नेम इज पोटेंट. द होली नेम इज मीन्ट फॉर अवेकनिंग आवर डॉर्मेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस. ये हरि नाम हमारे सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए है. एंड पैरेलली प्रभुपाद इज मेंशनिंग वन मोर थिंग, बट वी शुड बी हियरिंग दिस साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द माउथ ऑफ ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड. इस शब्द ध्वनि को हमें स्वीकार करना चाहिए इस शुद्ध भक्त के मुखारविंद से. सो इफ यू हियर प्योर साउंड वाइब्रेशन थ्रू द हियरिंग प्रोसेस और होली चैंटिंग ऑफ द होली नेम, इंस्टेंटली विल बी प्यूरिफाइड ऑल द कंटामिनेशंस, सारे भौतिक आवरण से शुद्ध हो जाएंगे. तो पहला दिन जो बेस्य आई थी हीराबाई, वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के मुखारविंद से जब नाम सुनती है, ही गेट प्यूरिफाइज. पहले दिन हरिदास ठाकुर उसको वचन देते हैं कि देखो मैं क्षमा चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से, कि मैं कुछ नाम लेने की वचन ले रखा हूँ, जब तक मेरी संख्या नाम पूरी नहीं होगी मैं आपको संग प्रदान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप धीरज मत खोइए, जैसे मेरी संख्या पूरी हो जाएगी आपकी सभी मुरादों को मैं पूरा करूंगा, तब तक आप बैठो और इस नाम महिमा को श्रवण करो. सो ही हम्बली एक्सेप्टेड, ही वुड रिजेक्टेड, लाइक द क्वालिटी ऑफ प्रस्टिट्यूट वॉज ही एक्सेप्टेड द ऑर्डर ऑफ हरिदास ठाकुर. ही स्टार्टेड हियरिंग द होली नेम एंड एवरी डे द होली नेम फ्रॉम द माउथ ऑफ ए प्योर डिवोटी स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग. तो पहला दिन उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, हीराबाई के हृदय में. दूसरे दिन जब आते हैं, जब प्रवेश करते हैं, जैसे पहले दिन ही केम एक्सपोजिंग लाइक बॉडी लाइक ए प्रोस्टिट्यूट, बट सेकेंड डे कुछ बदलाव के साथ आते हैं. सम ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड ड्यू टू साधु संग एंड हियरिंग द होली साउंड वाइब्रेशंस. तो दूसरा दिन वो तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं और हरिदास ठाकुर पहले ही बोल देते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ विनम्रता पूर्वक, मैं कल आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, कृपया प्रतीक्षा करें, मुझे उम्मीद है आज रात्र तक मेरी ये जो नाम संख्या नाम वो पूरा हो जाएगा और मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करूँगा. विद दिस
हरिदास ठाकुर स्टार्टेड चैंटिंग द होली नेम, तो पुनः दूसरे दिन भी नाम के प्रभाव से द प्रोस्टिट्यूट गेट मोर ट्रांसफॉर्म। तीसरा दिन आते हैं तो हरिदास ठाकुर कहते हैं आज अवश्य मेरी नाम पूरी हो जाएगी, संख्या पूरी हो जाएगी और मैं आपकी सारे इच्छाओं को पूरी करूंगा। लेकिन तीसरा दिन आते ही उस विषय में सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड एक्चुअली, एंड ही बाउ डाउन एट द लोटस फीट ऑफ हरिदास ठाकुर। श्री हरिदास ठाकुर के चरण में गिर पड़ते हैं और कहते हैं मैं वास्तविक इस कार्य के लिए आया था, मुझे रामचंद्र खान एक द्वेषी व्यक्ति आपके पास भेजे थे, आपको गुमराह करने के लिए, अपनी पदच्युत करने के लिए मुझे भेजे थे। तो श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं मुझे पहला ही दिन ही पता चल गया था, मैं इसलिए 3 दिन तक रुका ताकि मैं आपके कल्याण कर पाऊं। तो मार खाए प्रेम दय दयाल तो नहीं है, द जीवा वांट टू किल समवन, वांट टू ट्रबल समवन, द वैष्णव इज सो कंपैशनेट स्टिल वांट द डिलीवरेंस ऑफ द लिविंग बींग्स। कि वैष्णव निंदा सुनकर, वैष्णव आत्मघाती लोग मारने भी आने के कारण विवाद भी वो करुणा रखता है, उस जीव के कल्याण के बारे में सोचता है। तो इसी प्रकार हरिदास ठाकुर उस लक्ष्य हीरा को, हीराबाई को लक्ष्य हीरा बनाते हैं दीक्षा देकर, और कहते हैं तुलसी के समक्ष बैठकर निरंतर हरिनाम करना, और इसी से महान संत बने, महान साध्वी बने लक्ष्य हीरा जी। तो इसी प्रकार जब महाप्रभु के मुखारविंद से ये मायावादी सन्यासीगण भगवत नाम, भगवत तत्व को समझने, सुनते हैं और सीधी साक्षात भगवान का संग करते हैं, कृष्ण भक्ति की शुरुआत होता है संगति से। तो एसोसिएट विद द डिवोटीज इज इक्वली लाइक एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड, भक्तों का संग भगवान के संग के जैसे बराबर है। जब हम भक्तों की संग करते हैं, वाणी संग करते हैं, साक्षात भगवान का संग कर रहे हैं, और यहाँ तो परम भगवान बैठे हैं और प्रकाशानंद सरस्वती उनके शिष्यगण जैसे मायावादी लोग, दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद द लॉर्ड एंड हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। सो इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, शुद्धिकरण तो कार्य कर रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के नाम की महिमा के बारे में दोनों वर्णन करते हैं, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु इस प्रकाशानंद सरस्वती पाद को वर्णन करते हैं। तो इसी बीच प्रकाशानंद सरस्वती पाद के शिष्यगण प्रश्न करते हैं कि ठीक है आप तो नाम सेवा करते हैं, लेकिन वेदांत सूत्र के बारे में आपकी क्या धारणा है? इट्स नॉट लाइक लॉर्ड चैतन्य वोंट नो वेदांत सूत्र, बट वेदांत सूत्र इज डिस्कस्ड अमंग्स द क्वालिफाइड पीपल एंड इट्स नॉट पब्लिकली डिस्कस्ड। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शिक्षाएं देते हैं, द होली नेम, प्रोपागेशन ऑफ होली नेम फॉर द कॉमन मैन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी और डेप्थ ऑफ द भगवत तत्व, फॉर देम वी डिस्ट्रीब्यूट होली नेम, बट व्हेन द डिवोटी एडवांसेस दे स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द कॉन्फिडेंशियल टॉपिक और द वेदांत सूत्र। तो जितना हम नाम लेते हैं, शुद्ध होते हैं, हम भगवान को समझने का स्थिति पे आते हैं, बाय चैंटिंग, बाय एसोसिएटिंग, by hearing, by rendering services, we become purified, come to a state of purifications, so that we can understand Lord. तो शरणागति ही शुरू होता है शुद्धिकरण प्रक्रिया के द्वारा, you get purified, accepting a bona fide spiritual master, hearing, chanting, rendering services, associations, studying scripture, ये सारे चीज हमें एक शुद्ध अवस्था तक लाता है, जिस अवस्था में हम भगवान को समझ पाएंगे, because Lord is the purest of pure. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमंग भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवं अजं विभुं। सो लॉर्ड इज प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एंड वांट टू अंडरस्टैंड लॉर्ड ही हैज टू बिकम प्योर। तो प्रभुपाद अनेक स्थान पर ये बोलते हैं, टू अंडरस्टैंड लॉर्ड इज वेरी डिफिकल्ट बट टू रेंडर सर्विस लॉर्ड टू लॉर्ड इज वेरी इजी। कोई भगवान की सेवा आसानी से कर सकता है, लेकिन यही सेवा करते करते एक स्थिति पर लाता है जिस अवस्था में हम भगवान को समझ सकते हैं। We'll come to the stage when you can understand Lord gradually. तो ये सारे सिद्धांत को प्रस्तुत करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जब शिष्यगण प्रश्न करते हैं प्रकाशानंद सरस्वती के कि आप कुछ वेदांत सूत्र के बारे में बताइए, तो पहले तो महाप्रभु विनम्रता प्रस्तुत करते हैं। चलो प्रभुपाद को कई बार लोग, जैसे प्रभुपाद एक बार दक्षिण भारत में गए थे, आई थिंक इन चेन्नई और समहेयर, किसी गृहस्थ के घर गए थे और वो गृहस्थ लोग जिद कर रहे हैं,
प्रभुपाद हमें रासलीला के बारे में बताइए. प्रभुपाद आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट इट. ना आप हम लोग योग्य है, हम सुन लेंगे. तो प्रभुपाद आप बोले हो सकते योग्य हो लेकिन मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ. हम्बली अप्रोचिंग से प्रभुपाद एक्चुअली. हाँ, तो व्यक्ति को स्तर पर लाया जाता है फिर गुह्य प्रसंग के बारे में सुनाया जाता है. जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने आदर्श दिखाते हैं. चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों के साथ समय बिताते थे लेकिन रात्रिकालीन समय में अपने 3.5 पार्षदों के साथ भगवान के विषय में राधा कृष्ण की गुह्य लला के बारे में चर्चाएं करते थे. या नवद्वीप में श्रीवास आंगन में महाप्रभु रात्रिकालीन समय में संकीर्तन आंदोलन को प्रवर्तन करते थे. लेकिन वही लोग प्रवेश कर पाते थे जो अधिकारी थे, योग्य थे. सबको अधिकार नहीं था. तो वन शुड बी, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. बहुत लोग तुरंत रागानुग स्तर पे आना चाहते हैं. डोंट डू द जंपिंग बिजनेस और मंकी बिजनेस. फर्स्ट बिकम क्वालिफाइड देन डिजायर फॉर दैट एक्चुअली. सो दिस इज ग्रेजुअल प्रोसेस. तो फिर प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्यगण प्रश्न करते हैं कि कृपया बताइए कुछ वेदांत सूत्र के बारे में बताइए. तो सबसे पहले महाप्रभु तो विनम्रता भाव से कहते हैं मैं योग्य नहीं इस विषय को बोलने के लिए. फिर महाप्रभु शुरू करते हैं सरल सरल उपाय से वर्णन करते हैं कि कैसे वेदांत सूत्र आया जो पिछले प्यार में चर्चा हो चुकी है. महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के साहित्यिक अवतार व्यासदेव जी वैदिक साहित्य को सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं. वेदांत सूत्र, ऑल द एसेंस ऑफ द वैदिक टीचिंग्स इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए सूत्र. सूत्र इज फॉर्मूला, एफोरिज्म, एफोरिज्म सूत्र. सूत्र समझते हैं, फॉर्मूला. जैसे आप मैथमेटिक्स से ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लाइक इस प्रकार फॉर्मूला कि पूरे विषय को एक सूत्र में बांध लेना, बहुत विस्तार विषय को सूत्र में कैद करना. जैसे अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वैदिक सूत्र के पहले सूत्र है क्या? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, लेट सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रुथ. तो सूत्र रूप में भी लोग समझ नहीं पाते हैं. तो व्यासदेव जी पहले वेदांत सूत्र दिए फिर पुराणों की भी रचना करना. साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे, संस्कृत नहीं जानते हैं, सूत्र नहीं जानते हैं. सरल लोग तो पुराण से सरल सरल बातें प्रस्तुत करने से समझ जाएंगे लेकिन उच्च कोटि के लोग सूत्र का आस्वादन करते हैं. सूत्र फॉर्मूला लाइक, तो ऑल द एसेंस इज कंपाइल एंड मेड कंडेंस प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सूत्र फॉर्मूला वेदांत सूत्र. तो चैतन्य महाप्रभु पिछले श्लोक में कहते हैं कि किस प्रकार साक्षात नारायण, इस प्यार बड़े सुंदर है, प्रभु का वेदांत सूत्र ईश्वर वचन व्यास रूपे कैले जहा श्री नारायण. सो व्यासदेव जी भगवान के साहित्यिक अवतार है या शक्त्यावेश अवतार है. शक्ति आवेश होकर आते हैं, भगवान की शक्ति जिनमें आवेश हुआ है. कृष्ण द्वैपायन वास, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान. जो संसार के लोग हैं वो माया मुग्ध है, माया से आकर्षित है. उनको भगवान की लेन देन कुछ नहीं है, भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है. तो इसलिए व्यासदेव जी क्या किए, वेद पुराणों को रचना किए ताकि लोग समझ पाए. जीवे के जीवेर कृपाए व्यास कैला वेद पुराण, जीवों पर कृपा करने के लिए व्यासदेव जी क्या किए, वेद पुराणों का रचना किए. और ये व्यासदेव जी है कौन, कृष्ण द्वैपायन वास उस साहित्यिक अवतार है. पहले जो प्रक्रिया था केवल श्रवण था, श्रुति प्रक्रिया, श्रुतिधर होते थे. तो पीपल यूज टू हियर इन गुरुकुल, देर इज नो लिटरेचर्स, देर इज नो बुक फॉर्मैट. इट्स कम इन द फॉर्म ऑफ साउंड वाइब्रेशन, तेन ब्रह्म हृदि आदि कवये. सो द प्रोसेस इज कमिंग थ्रू द साउंड वाइब्रेशंस. जैसे आप लोग कितने लोग DIPS या DIS किए हैं, मीनिंग विद मच हैव डन. तो DIPS में आपको बताया गया होगा भगवत तत्व को समझने की विधि, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण. सुने हैं ना, क्या हम प्रत्यक्ष प्रमाण से भगवान को जान पाएंगे? नो. अनुमान, भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, प्रभुपाद तात्पर्य में ये लिख रहे हैं. लाइक द साइंटिस्ट दे से मे बी लाइक दिस, इसको कहते हैं अनुमान, अनुमान लगाना. लेकिन द ऑथेंटिक प्रोसेस है श्रवणम, है शब्द ध्वनि, शब्द ब्रह्म. दिस इज पोटेंट एक्चुअली. इवन प्रभुपाद कलयुग के लिए भी शब्द ध्वनि को ही रिकमेंड करते हैं. जैसे प्रभुपाद के भागवतम की प्रसंग चल रहा है, इवन दो द प्रोसेस ऑफ द स्पिरिचुअल प्रोसेस इज रिमेंबरिंग कृष्ण स्मरणम, बिकॉज माई माइंड इज वेरी पॉल्यूटेड,
We cannot remember Krishna in his mind. We should better hear like constantly. Hearing is very vibrant. भगवान वारे सुनना और शक्तिशाली है. मैंने प्रभुपाद की जो इनर मोड है, चैतन्य महाप्रभु की मोड तो है नाम प्रवर्तन करना, नाम उच्चारण करना, लेकिन प्रभुपाद चाहते कि श्रवण करना जरूरी. इसलिए प्रभुपाद ये सिस्टम रखे हैं, प्रातःकालीन समय सुनना, सायंकालीन समय सुनना. कि सुनेंगे तो भगवत विज्ञान को समझ पाएंगे. यही विधि है, यही विधि है. ये तात्पर्य के लास्ट में ही बोलते हैं एक्चुअली. तो महाप्रभु कहते हैं वेदांत सूत्र के बारे में कि भगवान के साहित्यिक अवतार, भगवान के सत्यावेश अवतार व्यासदेव जी इन वेद पुराणों का रचना किए हैं. वैदिक साहित्य को सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, इन द एसेंस फॉर्म, कि सार रूप में प्रस्तुत करते हैं सूत्र रूप में, इन द फॉर्मूला लाइक. जो पहला सूत्र है, अथ तो हो ब्रह्म जिज्ञासा, लेट सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य की खोज करना. तो इस रूप में, सूत्र रूप में वो जीवन के लक्ष्य बताते हैं, माने वो जीवन क्यों मिला है. अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, दिस इन द फॉर्म ऑफ सूत्र. और सूत्र को विस्तार करते हैं आगे, कि बहुत लोग सूत्र समझ नहीं पाते हैं. तो इसलिए व्यासदेव जी पुराणों के भी प्रदान करते हैं कि साधारण लोग, ग्रामीण लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, सभी वर्ग के लोग भगवत भक्ति कर सकते हैं, तो पुराण को आसानी से समझ सकते हैं. तो यहां कह रहे हैं अनुवाद में कि महाप्रभु ने कहा, वेदांत दर्शन व्यासदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण द्वारा कहे गए वचन है. So what is spoken in Vedic literature is the word of Lord Himself. भगवान की शब्द ध्वनि ये वैदिक साहित्य में है, ये साक्षात शब्द ब्रह्म है. This book is non-different than Lord Himself. कृष्ण सम भागवत विभु सर्वासय प्रति शब्दे प्रति श्लोके नाना अर्थकय. दिस वैदिक साहित्य, द वैदिक लिटरेचर इज एग्जैक्टली लाइक कृष्ण हिमसेल्फ. कृष्ण हैज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ शब्द ब्रह्म, साउंड वाइब्रेशंस. कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार. तो भगवान शब्द रूप में प्रकट हुए हैं, अवतार हुए हैं. आप सुन रहे हैं, भगवान प्रवेश कर रहे हैं आपके हृदय में. यू डोंट नो सो पोटेंट दिस साउंड वाइब्रेशन. यू मे बी अटेंटिवली हियरिंग, इनअटेंटिवली हियरिंग, योर माइंड इज ऑल्सो, इट डजंट मैटर. दिस साउंड वाइब्रेशन वर्क्स. हम हो सकता है नाम लेने में संग्राम, श्रवण करने में संग्राम, लेकिन पार्टिसिपेट करना है. ये शब्द भ्रमण बड़ी शक्तिशाली है. दिस साउंड वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क्स वर्क्स. तो शिल प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत में गए और देखे कि ये तो नशे में चूर हैं, इन और दुनिया में रहने वाले हैं, रजोगुण तमोगुण में सता रहा है, कुछ कल्चर नहीं जानते हैं, उनको भगवत तत्व में क्या सिखाऊं. तो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, आप अगर चाहेंगे ये वासुदेव तत्व को समझ पाएंगे, आपकी कृपा होगी, ये भगवत विषय को सुनेंगे, उनके दुख उनके कष्टों से लाघव मिलेगा उनको. प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं. तो इनिशियली प्रभुपाद इस प्रकार की श्रवण प्रक्रिया इनिशियली नहीं इंट्रोड्यूस किए, थोड़ा थोड़ा व्याख्यान देते थे, 15-20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, ढोर कीर्तन कराते थे और प्रसाद खिलाते थे. जानते थे ये कार्य करेगा. जो अमेरिका वासी के पास पहले प्रभुपाद पहुंचे, जानते थे ये अभी स्थिति में नहीं है, सप्तगुण तो आना बड़ा कठिन है, रजतम में ग्रस्त हुए रहते हैं, उस अवस्था तक आने ही भगवत तत्व को समझ पाएंगे. तो क्या करे क्या करे, सबसे पहले प्रभुपाद क्या किए, उनको प्रसाद दिए और कीर्तन कराए, यही शुद्धि करेगा, उनको उस स्तर पर लाएगा ताकि भगवत तत्व को सुन पाएंगे. पेशेंटली हियर, स्थिर होया यदि काने सुने बार बार. प्रभुपाद लिखते हैं अपने वजन में, चलो तो वजन में, कि अगर पेशेंट पेशेंटली इट विल हियर 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 हियर, तो फिर कार्य करेगा धीरे धीरे श्रवण करने से. तो फिर प्रभुपाद धीरे धीरे कृष्ण तत्व, भगवत तत्व के बारे में द साइंस ऑफ गॉड धीरे धीरे वर्णन करते हैं, विस्तार करते हैं, और धीरे धीरे वो प्रगतिशील होते हैं. तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती उनके सन्यासी शिष्यों को वेदांत सूत्र के बारे में वर्णन करना शुरू करते हैं और कहते हैं, भगवान वेद व्यास है, समटाइम व्यासदेव जी और ग्रेट पर्सनैलिटी इज ऑल्सो एड्रेस्ड एज भगवान ऑल्सो. वी एड्रेस देम ऑल्सो एज भगवान, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज ऑल्सो एड्रेस्ड एज भगवान. तो व्यासदेव जी भगवान के साहित्यिक अवतार है जो शब्द धुनियों को साहित्य में प्रकाशित करते हैं. अर्लियर इट वॉज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म, बट व्यासदेव जी हैज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म.
क्यों न कलयुग के लोग श्रुतिधर नहीं रहेंगे, सुन के याद करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो इसके लिए उनको साहित्य की आवश्यकता है। बार 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 रिपीटेड हियरिंग रिपीटेड स्टडिंग, लाइक एक बार में नहीं होता है, बार 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 रिपीटेड लाइक नीडेड, जिसलिए व्यासदेव जी इसके साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करते हैं जो सत्यावेश अवतार है। तो इसको जो वर्णन करते हैं कि ये जो शब्द ध्वनि क्या है, ना साक्षात भगवान के शब्द ध्वनि है। भगवद्गीता क्या है, ना लॉर्ड्स विल। भगवान जीवात्मा से क्या चाहते हैं, एक पिता अपने पुत्र से क्या चाहता है, वो व्यक्त करते हैं शब्द में। मैं जो बोल रहा हूँ आप करोगे तो खुशी पूर्वक रहोगे, जीवन को सार्थक करोगी, ये मेरी आदेश को पालन करो, यही शरणागति है। शरणागति का अर्थ क्या है कि भगवान जो राह दिखा रहे हैं उसी राह पर चलना। मैं जो बोल रहा हूँ वो मान के चलो, आप अच्छे रहोगे। मैं पिता हूँ, आपकी अच्छा ही चाहता हूँ। द क्रिएटर नोज बेटर अबाउट हिज क्रिएशन, जो सृष्टा है अपनी सृष्टि बेहतर चलाने की विधि जानते हैं, इसलिए वैदिक शास्त्र को प्रदान करते हैं। मैं जो चाहता हूँ, हाँ, इसलिए पहले स्कंद में प्रश्न आता है, कृष्ण सुदाम उपगते, कृष्ण जो चले जाते हैं धर्म किसका शरण लिया है, हाँ? कि भागवतम प्रकट हुआ है, लॉर्ड हज द धर्म हज टेकन शेल्टर देयर, भागवतम का उदय हुआ है, ये साक्षात कृष्ण है, हाँ? यहाँ कृष्ण बैठे हैं, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, यहाँ पर दिस बुक इज लाइक लॉर्ड चैतन्य हिमसेल्फ। तो भगवान की जो शब्द है वो कैसा है, सारे दोष से रहित है, देयर इज नो फॉल्ट इन लॉर्ड्स वर्ड्स एक्चुअली, कि भगवान के शब्द में कोई त्रुटियां नहीं है। लेकिन संसार व्यक्ति के पास क्या रहता है, चार प्रकार की दोष त्रुटियां, आप ये भी डिवाइस में सुने होंगे, उसके संबंधित श्लोक यही है, पया रही है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करण पाटव ईश्वरेर वाक्य नहीं दोष ही सब, कि भगवान की बातों में कोई दोष नहीं, लॉर्ड इज परफेक्ट पूर्ण, हाँ, भगवान पूर्ण है, उनके बातों में कोई दोष नहीं है। आप जानते ना द फोर डिफेक्ट्स, इंग्लिश में जानते थे क्या है फोर डिफेक्ट्स, टू कम इम्परफेक्ट सेंसेस, इट टू बी इल्यूजन्ड, कमिटिंग मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी। सो दिस इज द फॉर्मेट इन द श्लोक, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटव ईश्वर रे वाक्य नहीं दोष ही सब, भगवान की बातों में कोई दोष त्रुटियां नहीं है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट वैदिक साइंस एज इट इज कम्प्लीटली, नो फॉल्ट। हाँ, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं भगवद्गीता इंट्रोडक्शन में, वी यूज द काउडंग, काउडंग इज द प्योरेस्ट ऑब्जेक्ट, प्योरेस्ट मटेरियल, हम गोबर यूज करते हैं ना पूजा पाठ में, जिसे वैदिक इंजंक्शन, वी ब्लो द काउंसिल संख, भले ही ये कुछ मृतक जीव के हड्डियां हैं बट इज प्यूरिफाइड बिकॉज इज वैदिक इंजंक्शंस। तो जो गोबर शुद्ध है उसके बारे में वैदिक साहित्य बताता है, तो आज की वैज्ञानिक रिसर्च करके भी देखते हैं बिकॉज वैदिक इंजंक्शंस। सो देर इज नो फॉल्ट बिकॉज इज अपुरुषेय, देर इज नो फॉल्ट इन लॉर्ड्स वर्ड। लेकिन संसारिक जीवक के पास क्या है, चार प्रकार के दोष त्रुटियां, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटव। तो इसके तात्पर्य बड़े सुंदर वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद कि किस प्रकार की त्रुटियां जीव करता है, हाउ दिस फोर डिफेक्ट आर एनग्रॉस्ड इन द लिविंग बींग्स, जीवात्मा के अंदर ये चार प्रकार के दोष कैसे भरा ठूस के भरा हुआ है। त्रुटि का अर्थ है किसी वस्तु को यथार्थ रूप में स्वीकार करने के बदले भिन्न रूप में स्वीकार करना अथवा मिथ्या ज्ञान को स्वीकार करना। उदाहरणार्थ अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर, रात में रस्सी पड़ा है, सांप 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 सांप, नहीं ब्रो रस्सी है, सांप है, यू गेट इल्यूजन, स्वाभाविक है, और रस्सी से टेढ़ा मेढ़ा रखा है ना, ये सांप है, दोज आर फियरफुल ऑफ स्नेक, इमीडिएटली दे विल परसीव दिस स्नेक। सो रस्सी है या सांप है, हाउ वी परसीव, बिकॉज यूर आवर इन सेंसेस आर फॉल्टी, सो यू परसीव फॉल्टली। या चमकीला सांप है, यहां प्रभुपाद और एक बात बता रहे हैं, या चमकती सांप को सोना समझना, सांप चमक रहा है, ये सोना रखा है, सही निर्णय नहीं ले पा रहे, सांप है, सोना है, रस्सी है, सांप है, दिस इज द फॉल्टी एक्चुअली, फॉल्टी, ये त्रुटियां हैं। इस त्रुटि से हम क्या करना चाहते हैं, भगवान को समझेंगे, ऑलरेडी अफेक्टेड बाय फोर डिफेक्ट्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लॉर्ड इन ए फॉल्टी वे विल बी कमिटिंग मिस्टेक्स। तो इसलिए अनुमान प्रमाण रिजेक्टेड,
प्रत्यक्ष प्रमाण भी रिजेक्ट, प्रत्यक्ष यही होगा ना, रस्सी सांप, सांप रस्सी, यह चमकता वस्तु सोना, सोना है चमकता वस्तु है, विल कमिटिंग फॉल्ट लाइक। इसी प्रकार सुनने में असावधानी के कारण उत्पन्न गलत ज्ञान को मोह कहते हैं। व्हाट इज इल्यूजन्स? सुन कुछ रहा है, समझ कुछ और रहा है, दिस इल्यूजन्स। जब हम श्रवण करते हैं ना, हाँ, समटाइम आवर श्रवण इज नॉट प्योर, वक्ता कुछ बोल रहे हैं, श्रोता कुछ और समझ लिया तो ये गड़बड़ है एक्चुअली, इसी को इल्यूजन कहते हैं। नॉट एक्सेप्टिंग एज इट इज इल्यूजन्स। हाँ, बोला गया कुछ, समझा कुछ, अप्लाई किया कुछ, देयर वेरिएशंस। तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? कि सुनते कुछ है, समझते कुछ है, प्रयोग कुछ और करते हैं, देयर इज वेरिएशंस एक्चुअली। बट विधि क्या होना चाहिए? जैसे सुना वैसे स्वीकार करना, वैसे प्रयोग करना, दिस इज एज इट इज एक्चुअली। ऐसा त्रुटिपूर्ण ज्ञान दूसरों को प्रदान करने की को छल या ठगी कहते हैं। हाँ? छल या ठगी, जो खुद फल्टी हो, फल्टी ज्ञान अच्छे से समझा नहीं, इसे कहते अल्प ज्ञानी भयंकरी, अल्प विद्या भयंकरी कहते हैं ना। जैसे पता नहीं गांव तरफ की कहीं बोलते हैं कि आपको बिच्छू के मंत्र पता नहीं, सांप के मंत्र, सांप झाड़ने जाते हैं, पहले जहर लगता है ना, उसको झाड़ना पड़ता है मंत्र से, आपको बिच्छू के मंत्र नहीं पता है और सांप मंत्र झाड़ने के लिए चल पड़ते हैं। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की विधि है, आधा अधूरा ज्ञान भी भयंकरी है। एक सुंदर कहानी है, सुना चाहेंगे? देयर इज अ नाइस स्टोरी अबाउट इट, अल्प ज्ञानी भयंकरी। तो एक डॉक्टर थे, उनके कंपाउंडर थे, ठीक है, इज ए वेटनरी डॉक्टर। एक वेटनरी डॉक्टर क्या बोलते, पशु चिकित्सक, लाइक वेटनरी डॉक्टर, ही हैज ए कंपाउंडर। तो कंपाउंडर तो डिग्री नहीं लेते हैं, देखते देखते सीखते हैं प्रत्यक्ष। तो डॉक्टर साहब अलग अलग प्रकार से पशुओं को चिकित्सा करते थे। तो कंपाउंडर बारीकी से देखते हैं। हाँ, तो कुछ दिन के बाद कंपाउंडर बोले मैं अपना अलग क्लिनिक खोलूंगा, इनके अंडर क्यों रहूं। तो कंपाउंडर अपना अलग क्लिनिक खोल दिए। तो डॉक्टर साहब बोले ये कंपाउंडर आजकल क्यों नहीं आ रहा है। तो पता चला कि वो अलग क्लिनिक खोल लिए हैं, लेकिन क्लिनिक तो खोले ठीक है, तो वहां और एक चीज उनका बोर्ड लगा है, उस बोर्ड में इस डॉक्टर साहब के जितने प्राइस है उनके प्राइस और आधा है, सस्ते में लोग ज्यादा आएंगे कि कंसल्टेशन फी आधा, तो लोग ज्यादा आने लगे। फ्री का माल कौन नहीं लेना चाहेगा, लोग भीड़ लगाने लगे। लेकिन साथ साथ अखबार में छपने लगा कि ये गाय मर गया, एक बैल को दिक्कत आई, एक घोड़े के साथ परेशानी हुई, एक कुत्ते का ये हाल हुआ। तो डॉक्टर साहब जो मूल डॉक्टर साहब थे वो परेशान हुए, क्या हो गया, मेरे कंपाउंडर तो मेरे पास अच्छा था, अलग क्लिनिक खोलने के बाद कई सारे शिकायत आ रहा है, क्या कर रहा है, मैं जाऊं थोड़ा देखूं और पूछूं कैसे आप इलाज करते हो। तो डॉक्टर साहब एक दिन गए वेटनरी डॉक्टर साहब कंपाउंडर के यहाँ क्लिनिक में। हाँ, तो बोली मेरे समय तो आप ऐसे सब नहीं होता था, अघटन नहीं होता था, आप जब संभाले अलग क्लिनिक खोले हो, कई सारे शिकायत आ रहा है, पशुएं मर जा रहे हैं आपके हाथ से, कैसे चिकित्सा करते हो। हाँ, तो कंपाउंडर साहब कहते आप जिस दिन चिकित्सा कर रहे थे आपके पास एक घोड़ा आया था, हाँ, उसका जो मालिक लेकर आया था और एक तरबूज निगल लिया था, और आपने क्या किया था, एक हथौड़ा से उसके गले में दो हथौड़ा मारे, तरबूज अंदर चला गया। तो मैं बिजी विधि को सीख लिया, मैं वही अपना तो हथौड़ा वाला प्रक्रिया, जो भी आता है हथौड़ा मारता तो हथौड़ा से सब खत्म हो जाते। सो दिस इज फॉल्टी वे, लाइक दिस इज फॉल्टी वे, इसलिए कहते अल्प विद्या भयंकरी। आप देख के नहीं सीख सकते हैं, इमिटेट, यू कैन नॉट इमिटेट एक्चुअली, यू हैव टू लर्न द आर्ट। अल्प विद्या भयंकरी, वेरी डेंजरस, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस। हाँ, भौतिकवादी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सामान्यतः हो सकता है शायद जैसे शब्दों का प्रयोग करते, मे बी, सपोज लाइक मे बी, जैसे हाइपोथेसिस आता है ना, हाइपोथेसिस, मे बी, भगवान हो सकते हैं, नहीं भी है, है भी है, नहीं भी है। तो वैज्ञानिक अजम्पशन लाइक दिस, क्योंकि उनके ज्ञान पूर्ण नहीं है और उनकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, अतएव उनके द्वारा दूसरे की शिक्षा देना ठगी का उदाहरण है।
भौतिकवादी व्यक्ति को का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। तो जो चार प्रकार के दोष को विस्तार कर रहे हैं, हाउ आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट इनकम्प्लीट। हमारी आंख कुछ दूरी के बाद और देख नहीं सकता है, हमारे कान कुछ दूरी के बाद सुन नहीं सकता है, सर्टन डेसिबल ऑफ साउंड लिमिट है, कुछ सुनने की लिमिटेशन है, उसे परे नहीं सुन सकता है, उसे परे नहीं देख सकता है। तो दूर की वस्तु को कैसे परसीव करेगा, गलत तरीके से परसीव करेगा। जैसे प्रभुपाद जो भगवत तत्व को प्रस्तुत करते हैं, बदंति तत्विदं तत्व जयदम ज्ञान अभ्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो इस भगवत साक्षात्कार की तीन अवस्था है, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं, दूर से पहाड़ देख रहे हैं, हाउ यू परसीव, ये कुछ पेड़ पौधा है, छाया है, आप जैसे गाड़ी में ट्रैवल करते हैं ना, तो जैसे ब्रह्म परसिव, और थोड़ा करीब जाते हैं, हाँ इसका आकार दिखता है परमात्मा, और जब करीब पहुंचते हैं, हाँ लोग भी घूम रहे हैं, पेड़ भी है, जानवर भी है, लाइक परसिविंग। सो इफ योर नॉलेज इज इनकम्प्लीट, योर परसेप्शन विल बी ऑल्सो रॉन्ग। ज्ञान अगर अधूरा है, आप अल्प ज्ञान से आधा अधूरा देखेंगे संसार को। सो यू शुड बी रिसीविंग नॉलेज थ्रू परफेक्ट सोर्सेस। तो इसलिए प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है, बिकॉज आवर सेंसेस आर इनकम्प्लीट। बट व्हाट टू डू, क्या करें, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवित ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति यदा। तो जैसे ही हम जिह्वा से इस प्रकार या कर्ण से भगवान के बारे में सुनते हैं, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शुद्ध होता है, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां पूर्णता की ओर बढ़ता है, उसी मात्रा में प्रोपोर्शनेटली वी अंडरस्टैंड परसीव आल्सो। हाँ, तो बिगिनिंग आवर सेंसेस इनपरफेक्ट, ग्रेजुअल इट गेट प्यूरिफाइड एंड एबल टू परसीव परफेक्टली द परफेक्ट थिंग, द परफेक्ट पर्सनैलिटी कृष्णा। पूर्ण परम भगवान को ये इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियां भगवत सेवा में संलग्न होने के कारण शुद्ध होते जाता है और परम भगवान को परसीव, पूर्ण भगवान को परसीव कर पाता है। तो इसीलिए जो तीनों तत्व, तीनों विज्ञान विधि बताया जा रहा है कि साक्षात या डायरेक्ट परसेप्शंस, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड थर्ड इज शब्द ब्रह्म साउंड वाइब्रेशन। दिस इज मोर पोटेंट बिकॉज कृष्ण हिमसेल्फ इज रिकमेंडिंग फॉर रिसीविंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इन द फोर्थ चैप्टर ऑफ भगवद गीता। कृष्ण इज सेइंग एवं परंपरा प्राप्त इमं राजस्य विदु सकाल नेह महता योग नष्ट परम तपः। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग नॉलेज इज थ्रू हियरिंग फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल सोर्सेस, फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेस। यही यथार्थ रूप से हम भगवान को समझ सकते हैं। वास्तविक जब आप पढ़ेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक या पहले श्लोक के, प्रभुपाद लिखते हैं ये जो भगवद्गीता ज्ञान, इसमें लिखा था इमं विवस्वते जोगंग प्रक्तवान मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत एवं परं परं प्राप्त इमं राजस्य विदु सकाल नेह महता युग नष्ट परंतप। कि वास्तविक ये ज्ञान किनके लिए था, राजर्षियों के लिए, यू नो हु इज राजर्षि, राजर्षि जनक, ग्रेट पीपल, वी आर नॉट क्वालिफाइड बट हाउ यू रिसीव दिस ग्रेट नॉलेज, दिस इज मिस्टेक एक्चुअली। हाँ, जो भगवद्गीता के ज्ञान है वो वास्तविक राजर्षियों, एवं परं प्राप्त इमं राजस्य विदु, ये जो ज्ञान वास्तविक किनके लिए है, राजर्षियों के लिए। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू रिसीव दिस नॉलेज बट यू रिसीविंग दिस मिस्टेक थिंग। साधारण लोगों के लिए भगवद्गीता नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते, क्यों, ये राजर्षियों के लिए है। लेकिन जब भक्ति प्रक्रिया पालन करते हैं, आप राजर्षि अवस्था में आते हैं, समझ पाते हैं, सही विधि को समझते हैं। सो ओनली वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड इज टू हियरिंग फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल सोर्सेस शब्द ब्रह्म। तो चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार वर्णन करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक सिद्धांत के बारे में वर्णन करते हैं प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों को, कहते हैं कि भगवान की वाणी में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन संसारिक जीव के पास चार प्रकार की त्रुटि है, और भगवान जो भी वचन बोले हैं, ऑल द वैदिक लिटरेचर इट्स कंप्लीट एंड परफेक्ट, इज ऑपूरिस हियर, देयर इज नो फॉल्ट इन इट। तो आगे इसको और विस्तार रूप से परम सत्य के बारे में चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती और इनके शिष्यों को विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वेदांत सूत्र पता नहीं, लॉर्ड हिमसेल्फ
it's coming from him only. But for the ordinary living being, he's saying how to come to that stage to understand Lord or understand Vedic science. वैदिक साहित्य को समझने की स्थिति पे आने के उपाय यही है, हाँ? इसलिए मेरे गुरु महाराज मुझे मूर्ख देखे, मूर्ख तुम हो, तुम वेदांत अध्ययन के अधिकार नहीं है, लेकिन कैसे उस स्तर पे आओगे? आप धीरे धीरे इस प्रकार की सेवा करो, शुद्ध हो, ताकि भगवान को धीरे धीरे समझ पाओगे. प्रोपोर्शनेटली बेस्ट ऑन आवर सरेंडर, बेस्ट ऑन आवर प्यूरिफिकेशन, वील अंडरस्टैंड लॉर्ड बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड ओनली. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की, శీల ప్రభుపాద్ కి, అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త వృందకి, సమేత గౌర్ భక్త వృందకి, శిశు రుక్మిణి ద్వారకాధి జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రా మహారణికో నితాయకి, నితాయ నితాయ గౌర్ ప్రేమానందే, హరి హరి బోల్. క్వశ్చన్ ఆన్సర్, వాట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో క్వశ్చన్స్, ఆల్ క్లియర్డ్ ఐ థింక్. हाँ, पूछ रहे हैं या माइक लेंगे? माइक दीजिए यहीं पर. प्रभु जी के आदेश से कुछ प्रश्नोत्तर के लिए समय थोड़ा विलंब हो गया है. जिनको प्रसाद के लिए जाना है जा सकते हैं, क्षमा चाहते हैं थोड़ा विलंब हो गया 20 मिनट. यस, तो माइक ऑन करिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. मतलब कि जैसे हमारे हियरिंग का प्रोसेस होता है तो हम शब्द प्रमाण लेते हैं, बट जैसा कि आपने बताया कि मतलब कि हियरिंग में भी इल्यूजन हो जाता है कि मतलब वक्ता कुछ बताना चाह रहे हैं, श्रोता कुछ और समझ लेते हैं, इससे मतलब परफेक्ट नॉलेज नहीं होता. सो वी शुड बी वेरीफाइंग फ्रॉम द स्पीकर, एम आई राइटली हियरिंग, रिसीव द राइट मैसेज और नॉट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. आप मुझे जो संदेश प्रदान करना चाहते थे वो संदेश मुझे कुछ वही मिला ना, मैं कुछ गलत स्वीकार किया, यथारूप स्वीकार किया ना, कुछ गलत चीज धारण किया. सो यू शुड वेरीफाई. जब हम सुनते हैं तो मतलब हम क्या करते हैं, मतलब जो हम करंट नॉलेज ले रहे हैं और जो हमने पास्ट में श्रवण किया है, तो हम दोनों चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो शायद इस वजह से इल्यूजन हो जाता है कई बार, मतलब कुछ और समझ लेते हैं. पर अगर हम अलग अलग ब्लॉक में सुनेंगे, अलग अलग तो मतलब अलग बिना कनेक्ट किए, अच्छा, बिना पास्ट से कनेक्ट किए, तो फिर नॉलेज का वो कंटीन्यूअस फ्लो नहीं बनता. बिना कनेक्शन का कैसे सुन सकते हैं आप? वही तो मतलब हियरिंग कनेक्टिंग आल्सो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हियरिंग, वन इज पैसिव हियरिंग, अनदर इज एक्टिव हियरिंग. एक्टिव हियरिंग इज कनेक्टिंग टू ओन लाइफ. जो चीज हम सुनते हैं अपने जीवन से मिलाना चाहिए. पैसिव मतलब कुछ वक्ता बोल के चला गया, मैं अपने दुनिया में रहूंगा, वो जाएगा अपने दुनिया में रहेगा, मैं अपने दुनिया में रहेगा. सो यू वोंट गेट बेनिफिट बाय सच हियरिंग. हियरिंग मीन्स अप्लाइंग, इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन विल कम. वक्ता जो बोला उसको स्वीकार करना और उसको जीवन में अमल करना, दिस इज एक्टिव हियरिंग. कि श्रवण के दौरान वो जीवित था. एक्टिव हियरिंग मीन्स इज रिसीविंग एंड पैरेलली अप्लाइंग ऑल्सो, कन्फर्मिंग ऑल्सो. कि मैं सही समझा कि गलत समझा, आप यही बोल रहे थे ना, लेकिन आप कुछ बोले, मैं समझा और मेरी अप्लाई और सब गड़बड़ हो गया. बिकॉज देयर इज ट्रांजेक्शन फेलियर, सॉरी ट्रांसमिशन फेलियर. प्रॉपर ट्रांसमिशन शुड गो ऑन, लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपर. ठीक है, ओके. यस प्रभु जी, बताए थे कि जैसे भगवान ने अपना प्रकाश दिखाए थे, प्रकाशमान सरस्वती के सामने, और इसके बाद जो नहीं, रूप मतलब ओनली मैनिफेस्ट द एफल्जेंट. हाँ, बिकॉज जो ब्रह्मवादी या इस प्रकार के लोग वर्ग के अध्यात्मवादी होते हैं, वो ही देख के उनका आनंद मिलता है, ब्रह्मानंद में रहते हैं. दिस मच इज इनफ फॉर नॉट सर्विंग लॉर्ड. उसे परिस्थिति में नहीं आते हैं, जब ब्रदत ब्रह्मे थी परमात्मे थी. हाँ, तो ये जो कैटेगरी के लोग वो हाई स्टेट तक नहीं पहुँचते हैं, है ना, उतना उनके लिए काफ़ी है, इतना ही दिखाए जितने के लिए योग्यता है. लेकिन महाप्रभु तो दक्षिण भारत ब्राह्मण के पास गए, श्याम सुंदर रूप दिखा दिए, गीता पढ़ते पढ़ते योग्य बन गया है. इज नॉट मैनिफेस्टिंग सेम थिंग टू प्रकाशानंद, इज नॉट क्वालिफाइड नाउ. इज मायावाद इज कवरिंग स्टील लेयर, उसके ऊपर अभी भी मायावाद का आवरण है. पूरी तरह शुद्ध होने से महाप्रभु फिर दर्शन देंगे. प्रकाशानंद का भी उद्धार किया एक्चुअली, बट इनिशियली लिटिल मैनिफेस्टेशन, थोड़ा सा दिखाए. ठीक है, भगवान नाम प्रकाश में आए हैं, शब्द ध्वनि प्रकाश में आए हैं, और चाभी ग्रह प्रकाश में आए हैं,
तो ये प्रकाश रूप में भगवान प्रकाश है। भगवत गीता में भगवान एक श्लोक कहते हैं, 5th chapter, I think 18 or some books, जैसा आदित्यवत ज्ञान प्रकाशन्ति, तो भगवान इस ज्ञान रूप में प्रकाशित होते हैं। द नॉलेज मैनिफेस्टेशन, ट्रांसडेंटल नॉलेज मैनिफेस्टिंग एक्चुअली टू सैटर्ड द इग्नोरेंस, और ज्ञानता को काटने के लिए भगवान प्रकाश रूप में आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्रकाश? शब्द प्रकाश, नाम प्रकाश, दिव्य साहित्य के प्रकाश, दिस इज प्रकाश मैनिफेस्टेशन। लॉर्ड्स ट्रांसलेट बॉडी ऑल्सो देयर इन फॉर्म ऑफ डेटी, दिस प्रकाश। प्रकाश मीन्स एनलाइटनमेंट, ठीक है, ओके। आप पूछ रहे, माइक लीजिए, माइक दे दीजिए इसके बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आपने ऐसे बताया, महाप्रभु ने जो है सार्वभौम भट्टाचार्य को जो है अपना षटभुज रूप दिखाया, बट वही कंपैरिजन में प्रकाशानंद ऐसा आगे दिखाएंगे, अभी दिखाए नहीं, अभी चल रहा है प्रक्रिया। उनको ब्रह्म रूप दिखाया, दोनों बिगिनिंग बिगिनिंग में दिखाए, इतना ही दिखाए हैं, और आगे संपूर्ण प्रकाश करेंगे, आगे भक्त बनेंगे। दिस ऑल मायावादी विल बिकम वैष्णव, दिस ग्लोरी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ठीक है। यहीं विराम दें फिर, धन्यवाद। चलो प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।